गुड मॉर्निंग। आज यार अब देखो 12 बजे मेरी क्लास है। लंच का टाइम 12 बजे होता है ना, पर आज 12 बजे से हमारी क्लास है। जो 1 बजे होती थी ना वो 12 बजे तो शिफ्ट करती है 1 घंटा, तो मुझे खाना खाने जल्दी आना पड़ा यहाँ पे। और आज बता कॉलेज में भी क्या हुआ? 1 सेकंड रुकना, मुझे पहले चटनी लाने दो। यहाँ पे सब्जी देते हैं वो आलू गोभी की कुछ सब्जी बनी थी आज, जो कि ठीक ठाक मुझे इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो मैं चटनी ये सर मेरे रूममेट ये तो उससे काम चला लेता हूँ। यार यहाँ का सब्जी बहुत खराब है। हाँ तो आज पता अभी कॉलेज में गया था ना सुबह 9 बजे वाली मेरी क्लास लगनी, केमिस्ट्री की क्लास हुई नहीं, फिर 10 से 11 ईएमई की क्लास लगी थी। क्या मस्त क्लास थी। वहां पे सर ने हमको 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ऑटो इंजन, एरोप्लेन के इंजन, डीजल इंजन, डुअल इंजन सब के बारे में बताया। इस क्लास में आज बहुत कुछ नया सीखा था जो मुझे पहले जिंदगी में कभी पता नहीं था। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास। अब यार उस क्लास को क्या ही कहूँ, लगता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला जो सर है ना, उसने विजुअलाइजेशन वाले सर के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है। कॉलेज वाले मतलब ये हॉस्टल मैनेजमेंट वाले आगे ये शीशा वगैरह टूटा हुआ है ना यहाँ पे, तो उसको नया डलवाने का कह रहे थे। हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और विजुअलाइजेशन वाले सर, इन्होंने आपस में वो साझेदारी कर ली कि हाँ भाई तू क्लास नहीं लेगा मैं भी क्लास नहीं लूंगा, दोनों का 50-50 दोनों को मजे हैं। आज मेरी 3 क्लास में से बस 1 क्लास लगी थी। और अब टेक्निकल कम्युनिकेशन की लैब है जो जाके मैं लूंगा, वो तो लूंगा यार 12 बजे, बस 10 मिनट बाकी है। देखो तो ठीक, मैं जल्दी जल्दी खाना खा के मुझे निकलना है अब। यार आजकल कॉलेज में कुछ ऐसा खास हो ही नहीं रहा है। अरे मैं खाना खाने के बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरी बस मतलब कि खाना खाने के बाद मैं वापस गया था ना, तो कॉलेज में बस एक ग्रुप डिस्कशन हुआ और उसके बाद मैं इंस्ट्रूमेंटेशन लैब चला गया। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लैब मैंने ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत जाना। और ये देखो रूम में कचरा, ये मेरी खिड़की का पीछे यार ये अभी आला है। ये देखो यहाँ पे हमारे फिंगरप्रिंट, ये मेरा फिंगरप्रिंट ये नया लगवा दिया पूरा, यार रूम में कचरा कर दिया। अब मुझे फिर से झाड़ू निकालना होगा। पर उससे पहले रुको मैं आपको ना अपने नोट्स दिखाता हूँ, मैंने आज कुछ अलग तरीके से नोट्स बनाए हैं। ये देखो ये नोट्स इतने से नोट्स है ना, ये 3 घंटे की पूरी क्लास हुई थी ना उसके ये इतने से नोट्स, इतने से पेज में मैंने डाल दिए। यार मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, मैंने कितने ही पता नहीं पेज बचा के ना पौधे ऊपर एहसान किया है। छोड़ो ये तो फालतू की बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, मैंने जो वर्मी कंपोस्ट मंगाया था ना वो अभी तक नहीं आया। उसकी कल डेट थी कि हाँ वो उसको कल आ जाना चाहिए था, पर वो अभी तक नहीं आया। मैंने फ्लिपकार्ट में फ़ोन किया, फ्लिपकार्ट में कह रहे हैं असुविधा के लिए खेद है हम, पर वो कह रहे हैं कि ना हम जल्द से जल्द रिजोल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे, आपके पास जल्द से जल्द प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अब देखते हैं आज शाम तक आता है कि नहीं आता है, जल्दी चाल दूँ। तो गाइस हमारा वर्मी कंपोस्ट आ चुका है, अभी उसको लेने हम सामने जा रहे हैं। और मेरे साथ देखो ये मेरा बॉडीगार्ड उठाने के लिए, वो 15 किलो है, 5x5 के 3 सेट। जल्दी भागो यार वो कार लेके आ रहा है, डिलीवरी बॉय कार में डिलीवरी कर, वो आ गए सामने। चल 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 हाँ हमारी जी है वर्मी कंपोस्ट क्या यार मुझे बीच में रोक लिया गया, मतलब मुझे अभी पेमेंट और लोचा हो गया। वो ऑनलाइन लेता नहीं और मेरे पास ऑफलाइन बस 200 रुपये है, तो 20 रुपये कम पड़ गए। चलो 20 रुपये किसी से मांगते हैं। ओए सुन तेरे पास 20 रुपये? ओए बलराम तेरे पास 20 रुपये खुले? जल्दी दे यार जल्दी जल्दी।
चलो खुलने का तो जुगाड़ हो गया। बाबू उठा उठा ना। ओ बड़ी गार्ड तो यार ये देखो ये खाद गेहूं है दाल है खाद है ये क्या आटा आटा कर रहा है आटा गेहूं दाल 50 रुपए किलो 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो 60 रुपए मेस की। हाँ 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 कर ले। अब मेस में तेरा टिकट कटवा ले भाई। प्लेसमेंट है वो टिकट नहीं नहीं वो ज्यादा ठीक है। ढंग से उठा ले यार तू इसे। इससे ढंग क्या हुआ साले मैं इसको लड़का था ना रहा क्या से उठा रखा बच्चे की तरह। तो दोस्तों देखो वर्मी कंपोस्ट आ गए बीज आ गए गमले आ गए मतलब अब सब कुछ सेट है। अब हम कल मैं पौधे उगाऊंगा कल अच्छा सा मुहूर्त देखे मुहूर्त तो क्या देखना है। कल कॉलेज से वापस आऊंगा ना शाम में तो फिर लगाएंगे। नहीं बजे अभी आठ खोल दे। तू एक काम कर तू ही खोल ले खोल ले खोल ले खोल ले कैंच लेके आता हूँ। कोई ना आज आज गए ये जल्दी कर यार पप्पू कैसा है मिट्टी। ये तो मिट्टी है भाई तेरा कट गया ये तो मिट्टी निकली मिट्टी है, नहीं, वर्मी नहीं वर्मी कंपोस्ट है यार। देखो देखो ये वर्मी कंपोस्ट हाँ वो क्या जो भी देखो ये वर्मी कंपोस्ट है मेरे पास। ये गमले हैं ये और ये और ये और ये क्या है इसको देख के क्या लगता है। ये देखो ये सारा का सारा सामान है और ये इसके अंदर बीज। तो गाइस अब ये कल लगाने मुझे और उसके अलावा पता है मैं दिमाग में भी एक अभी हाथों हाथ एक ख्याल आया क्यों ना इन सभी पौधों का नामकरण किया जाए। अब वैसे तो इनका साइंटिफिक नाम कुछ भी है जैसे किसी का अमेरिकन मैरीगोल्ड है किसी का कुछ है ऐसे मुझे अमेरिकन मैरीगोल्ड ही नाम याद है बाकी सबके नाम ही अजीब थे। तो ऐसे आप मुझे कमेंट में नाम बताइए कि मैं इन पौधों के क्या क्या नाम रखूं। 5-6 पौधों को मैं फिर उन्हीं प्रॉपर नाम से बुलाऊंगा जैसे कि अभी एक नाम पप्पू बताएगा। पप्पू एक नाम बता सजेस्ट कर। तेरी बीवी का नाम कर रख लिया ना कमली वगैरह ऐसे। तो ठीक पप्पू तो नहीं बता रहा वो समय आ गया। आप कमेंट में जरूर बताना ठीक है।